आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। कांग्रेस नेत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी चंद्राकर ने तामझाम से परे कोरोना काल में माँ बाप को खोने वाले बच्चों और वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। उनका मानना है कि कोरोना की त्रासदी में जिन बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ चुका, ऐसे बच्चे भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, इसलिए हम सबको जब भी मौका मिले ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहिए और उनका हालचाल जानना चाहिए। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेत्री ने इन बच्चों को स्टेशनरी सामान से संबंधित उपहार भी प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने रामगढ़ स्थित वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों के साथ घंटों समय व्यतीत करते हुए उनका हालचाल जाना। उन्हें खाद्य, कपड़ा, अन्य सामान वितरित किया। इस दौरान वृद्धाश्रम में रही एक वृद्ध महिला की आंखें भर आई और अपनापन पाकर कांग्रेस नेत्री के कंधे से लिपट कर रोने लगी। जो आप लोग सभी समझ सकते हैं कि माँ बाप खोने के बाद बच्चों के ऊपर क्या स्थिति होती है, क्या बच्चे महसूस करती हैं। मैं भी एक माँ हूँ, मैं उन बच्चों की मतलब कमियों को समझ सकती हूँ, उन लोगों की जो प्यार है उनको समझ सकती हूँ। इसीलिए आज मैं अपने जन्मदिन को कहीं और ना मना करके मैं उन बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाई जिसके माता पिता नहीं हैं और उन बच्चों को जो प्यार की ज़रूरत थी। तो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के साथ थोड़ा से बैठ करके अपने उनके माता पिता जैसे बन करके मैं उन लोगों से बातचीत की, उन्हें प्यार दी और उन लोगों की समस्या को सुनी जानी, उन लोगों से बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है कि उन बच्चों को भी अच्छा लगा होगा कि आज उनके सामने एक उनकी माँ की तरह, एक दीदी की तरह बैठ करके उन लोगों के सामने मैं बात की। आज मेरी जन्मदिन थी इसलिए मैं आज यहाँ वृद्धाश्रम में मैं इन लोगों से मिलने के लिए आई थी और इन सभी से मिलने के बाद मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुई इनके। इसके लिए मैं इन लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ मुझे भी मतलब बहुत दुख हो रही है कि हर बुढ़ापे में अपने बच्चों की ज़रूरत होती है। हर माता पिता को ये उम्मीद रहती है कि उनके बेटा जब उनका बुढ़ापा आए तो उनका लाठी का सहारा बने, लेकिन अक्सर यही देखने को मिलता है जब बच्चों को अपने फर्ज निभाने की पारी आता है तो उस समय उनके बच्चे जो हैं अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, उन्हें मतलब वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो ऐसी माँ बाप हैं जो उन लोगों से जब मिलते हैं तो उन लोगों को ये महसूस होता है कि काश मैं अपने घर में रहती और मेरे परिवार के लोग मुझे अपने घर में रखते, तो काश आज इस प्रकार से मुझे यहाँ रहना नहीं पड़ता। और जिस प्रकार से उन लोग उसका जो प्यार था, आंसू था, उसे देख करके मैं समझ सकती हूँ कि अब हर माता पिता अपने बच्चों से कितना प्यार करती हैं। आज मुझे अपने बच्चे समझ करके जिस प्रकार से वो भी मुझे गले लगाए तो मुझे भी दुख हो रहे हैं। और मैं इस संदेश के माध्यम से उन सभी बेटा को, बेटियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी को आपके माता पिता आप लोगों को जन्म दिया है और जन्म दिया है तो सिर्फ आप लोगों को इसलिए जन्म दिया है, आप लोगों के लिए हर कर्तव्य, हर फर्ज वो लोग अदा करती हैं। तो क्या आप लोगों का ये फर्ज नहीं बनता कि उन लोगों को बुढ़ापा में आप लोग उनका सहारा बने। आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपने अपने माता पिता की सेवा करें। मुंगेली जिला ब्यूरो, शील पाठक की रिपोर्ट।